हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो सुबह उठकर मैंने अपने सारे मॉर्निंग रिचुअल्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड मैंने अपनी टेबल को भी क्लीन करके सबसे पहले मैं आ चुकी अपने स्टडी टेबल पर। एंड यहाँ पर हम लगाएंगे फर्स्ट सेशन इंग्लिश का। एंड इंग्लिश के मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे, वो मैं रिवाइज कर रही थी एंड बाकी सारा हम बुक से करने वाले हैं। सो रिसेंटली बहुत सारे कॉमेंट्स में पूछा गया था मुझसे कि आप मैथ कहाँ से कर रहे हैं। सो मैथ के लिए बेसिकली मैंने कोई भी क्लासेस ज्वाइन नहीं करी थी, बट इनिशियली जब मैंने स्टार्टिंग करा था तब मैं एक ऑफलाइन क्लासेस जाती थी, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था आने जाने में। सो देन आई डिसाइडेड टू शिफ्ट ऑन यूट्यूब। सो फिर मैंने यूट्यूब से स्टार्ट कर दिया अपना प्रिपरेशन एंड बहुत सारा यू नो कंटेंट मिल गया मुझे यूट्यूब पे। सो मैंने यूट्यूब से कंटिन्यू किया एंड डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के साथ मैंने पढ़ाई करी है। एंड ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर से स्ट्रिक्ट थी, बट हाँ मैंने प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो की है जो कि थी वासु सर का। बिल्कुल बेसिक सा एक सीरीज़ चल रहा था तब, उसका नाम था रेलवे सीरीज़, जो कि बेसिक वाले बच्चों के लिए था। सो मेरा बेसिक मुझे कंप्लीट करना था, सो फिर मैंने वासु सर का रेलवे सीरीज़ 90 डे का ज्वाइन किया था, जो कि यूट्यूब पे अभी भी क्लासेस उनकी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्प रही मुझे उनसे। सो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि कुछ और भी एक्सप्लोर करना चाहिए। सो देन मैंने एक और टॉपिक डाला, कुछ भी जो मुझे जिसमें डाउट्स होते थे सो मैं वो टॉपिक डाल देती थी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे परसेंटेज में अगर डाउट था तो मैंने परसेंटेज डाल दिया, देन जो भी वीडियो फर्स्ट में आता था वो मैं देख लेती थी। ज़्यादातर मैंने आदित्य रंजन सर से करा है एंड आदित्य रंजन सर के वीडियोज़ जो हैं फर्स्ट में आते हैं लगभग एंड उन पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ रहते हैं। सो मैं उसको 2x स्पीड में चला देती थी क्योंकि मुझे सिर्फ क्वेश्चंस करने रहते थे एंड जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे फिर वो मैं नॉर्मल स्पीड में वो सॉल्यूशन सर से समझ लेती थी। एंड ऐसे करके मैंने सारा अपना कंप्लीट किया था। एंड कभी कभार मैं राजकेश यादव सर के भी वीडियोस देखती थी एंड इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने। एंड साथ साथ में जब हम मैथ्स करते हैं तो अपनी रीजनिंग भी साथ साथ में कवर होती जाती है। सो रीजनिंग के लिए मैंने कोई अलग से नहीं किया था, बट हाँ मैं टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाती हूँ रीजनिंग के, जिसमें काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाता है। कभी एक गलत हो जाता है तो कभी एक मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो ऐसे करके मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन में मेरा डाउट रहता था, कभी कभार मैं एक छोड़ देती हूँ, कभी कभी मैं गलत कर देती हूँ। सो रीजनिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो रीजनिंग अपने आप सही हो जाती है। सो मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि मैथ्स में टाइम का बहुत ज़्यादा इशू होता है एंड वैसे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं इसलिए इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लग पाता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि टाइम से पहले ही अपना काम हो जाए। सो ये काफ़ी ज़्यादा टफ है, इसमें टाइम और स्पीड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है जिसको कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। टेंशन्स लगा के मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। सो फिर थोड़ी देर चिल करने के लिए मैं थोड़ी देर मार्केट चली गई एंड वहाँ पर खाया मैंने पान एंड बहुत ही अच्छा डे था आज। एंड स्वैच को ब्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन।